इंदौरा की ग्राम पंचायत के परिसर में आज सम्मान समारोह का आयोजन प्रधान भोपाल कटोच की अध्यक्षता में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायिका रीता धीमान पहुंची। इस मौके पर रीता धीमान द्वारा लोक मित्र केंद्र के लिए प्रधान भोपाल कटोच को 5 लाख की राशि प्रदान की गई। वहीं आशा वर्कर्स को कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायिका ने कहा कि जब कोरोना काल में अपना अपने को भूल गया था, उस वक्त में केवल आशा वर्कर्स ही थी जो सभी का ध्यान रख रही थी। प्रत्येक घर जाकर उनका ध्यान रख रही हमारा समाज उनका दे नहीं दे सकता है, इसलिए सभी को इनका धन्यवाद करना चाहिए। इस मौके पर उप प्रधान सुभाष कटोच, सेक्रेटरी करतार सिंह, सभी पंचायत सदस्य व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देश हमारा, पूरा प्रदेश हमारा जो है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, और कितना नुकसान इस समय, इस 1.5 साल में हम सब को झेलना पड़ा है, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी जो बहनें हैं हमारी आशा वर्कर, जो लगातार 1.5 साल से वो समाज की सेवा कर रही हैं, जिस वक्त हम लोग डर के मारे इस कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, कोई भी जब लॉकडाउन हुआ, जब शुरू में ये बीमारी फैली, तो कोई भी, हर आदमी इतना डरता था कि एक भी इंसान घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता था। अगर किसी कारण अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाता था, मार्केट में चला जाता था, तो हम लोग सब इतने डर जाते थे कि उसको बाहर ही गेट के पास खड़ा करना और अंदर से बाल्टी भरकर देनी उसको कि ये नहा दो के तू अंदर, वहाँ यहाँ ही कपड़े चेंज कर, यहाँ गेट के पास नहा। उस समय हमारी जो बहने हैं इन्होंने लगातार जो है वो लोगों की सेवा की है, समाज की सेवा की है। कौन बाहर से घर आ रहा है वापस हमारे गाँव में। उज्ज्वल हिमाचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमान। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स। जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।